गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस पुश लेग्स पुल रूटीन के तीसरे और आखिरी एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना करंट पुल वर्कआउट रूटीन शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं अपने बैक, रेयर डेल्ट्स और बाइसेप्स को ट्रेन करता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आप सबके साथ अपना करंट लेग वर्कआउट रूटीन शेयर किया था, और पहले वीडियो में एक पुश लेग्स पुल रूटीन किस प्रकार डिजाइन और रन करते हैं ये एक्सप्लेन किया था। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दोज टू एपिसोड्स, मेक श्योर टू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। ये पूरा रूटीन एज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो ये तीन वीडियोस देखने के बाद आप खुद इस प्रोग्राम को रन करके अपने ड्रीम फिजिक तक पहुंच पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाना, रोड टू 1 मिलियन। और अगर आपको मुझे अपने जर्नी पे सपोर्ट करना है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्लेमर, मैं एक कोच या सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी पॉइंट शेयर करूंगा कम प्योरली फ्रॉम एक्सपीरियंस। फुल डेज पे मैं इन टोटल 5 एक्सरसाइजेस लगाता हूँ, बैक के लिए 3, रेयर डेल्ट्स के लिए 1 और बाइसेप्स के लिए 1। इस वीडियो के एंड में मैं आप सबके साथ थोड़े से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूंगा। बैक को ट्रेन करने के लिए मैं 2 टाइप के एक्सरसाइज पैटर्न्स परफॉर्म करता हूँ। एक्सरसाइज सिलेक्शन जो भी हो, आई फील लाइक एक अच्छी बैक डेवलप करने के लिए सबके ट्रेनिंग रूटीन में एटलीस्ट एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल होना ही होना चाहिए। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पुल्स की जब बात आई, इट्स सिंपल, एक पुल डाउन और एक रो। पुल डाउन और रोज के हजार अलग अलग वेरिएशन होते हैं, बट मैं सेम 2 कोर मूवमेंट्स परफॉर्म करता हूँ। दीज आर माई एक्सरसाइज ऑप्शंस। पहली मूवमेंट है द लैट पुल डाउन। बहुत डिबेट्स होते हैं ऑन वेदर द पुल अप इज बेटर देन द लैट पुल डाउन, क्योंकि दोनों वर्टिकल पुल्स की कैटेगरी में आते हैं। ईएमजी डेटा के अनुसार पुल डाउन्स हमारे लैट्स को पुल अप्स के जितना ही एक्टिवेट करते हैं। प्लस अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो आपको पता ही चल गया होगा कि कोई बेस्ट एक्सरसाइज नहीं होता। पुल डाउन्स और पुल अप्स हमारे टूल बॉक्स के सिर्फ टूल्स है जो हम हमारे लैट्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली पुल डाउन ज्यादा पसंद है, क्योंकि पुल डाउन में मुझे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। पुलअप्स लगाते वक्त हमारे लैट्स के बावजूद बहुत सारे फैक्टर्स इक्वेशन में आ जाते हैं, विच कैन लिमिट लैट एक्टिवेशन, जैसे ग्रिप स्ट्रेंथ, बाइसेप इन्वॉल्वमेंट, मोमेंटम, स्विंगिंग एक्सेट्रा। अग्रीड की ये सेम लिमिटिंग फैक्टर्स पुल डाउन में भी आते हैं। द कीवर्ड हियर इज कंपैरेटिवली। प्लस इन जनरल बोला तो लैट पुल डाउन एक मशीन मूवमेंट होने की वजह से मैं इसे स्लाइटली ज्यादा फेवर करता हूँ, बिकॉज मुझे ज्यादा कंट्रोल मिलता है। हैंड प्लेसमेंट की बात की तो मैं अपने हाथों को हैंडल्स के ऊपर शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर प्लेस करता हूँ। इस विड्थ से मुझे अपने लैट्स में सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिवेशन मिलता है। 2 मेंटल क्यूज जिनसे मुझे इस एक्सरसाइज पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, मूवमेंट के इसेंट्रिक पोर्शन पे वेट्स को ऊपर लेके जाने के बारे में सोचने के बजाय मैं अपने लैट्स को स्ट्रेच करने के बारे में सोचता हूँ। आई फील लाइक ऐसा सोचने से टेंशन कभी मेरे लैट्स से हटता नहीं है। पहले क्या होता था, मैं वेट को नीचे कंट्रोल करते हुए लेके आता था, अपने लैट्स को कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज करता था, पर वेट को ऊपर लेके जाते वक्त मैं कभी कभी अपने लैट्स की जगह अपने आर्म्स और अपने बाइसेप्स को ज्यादा काम पे लगाता था। नंबर 2, सिर्फ इसेंट्रिक नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रिक मोशन को भी कंट्रोल और स्लो डाउन करना। इससे आई एम मेकिंग श्योर कि वेट को नीचे पुल करते हुए मैं जितना ज्यादा हो सके उतना अपने टारगेट मसल को इन्वॉल्व और यूज कर रहा हूँ। अगर हम वेट को जब से नीचे लेके आएंगे तो चांसेस है कि हम हमारे लैट्स के साथ साथ मोमेंटम, चीटिंग, इनर्शिया, एल्बोज, बाइसेप्स, ये सारी छोटी छोटी चीजों की मदद लेके वेट को नीचे लेके आएंगे, जिससे थोड़ा सा टेंशन हमारे लैट्स से हट जाएगा। हेंस स्लोअर द बेटर। इस मूवमेंट के मैं टोटल 3 सेट्स लगाता हूँ और एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं 8 से 12 की रेप रेंज में फेलियर तक पहुंचू। आज के पुल डे की दूसरी मूवमेंट होने वाली है एक हॉरिजॉन्टल पुल, और ये बाय फार मेरी फेवरेट हॉरिजॉन्टल पुल मूवमेंट है। इट इज द चेस्ट सपोर्टेड सीटेड मशीन रो। मैंने पास में बहुत सारे रोइंग वेरिएशंस ट्राई किया है, जैसे बेंट ओवर बाबल रो, केबल रो, सिंगल आर्म डंबल रो एक्सेट्रा, पर मुझे इन सारे फ्री वेट रोज में एक बहुत कॉमन फ्लॉ दिखता है जो ये मूवमेंट फिक्स और एलिमिनेट करती है। सबसे पहला फ्लॉ है लोअर बैक स्ट्रेन, जो ये एक्सरसाइज चेस्ट सपोर्टेड होने की वजह से फिक्स करती है। इस एक्सरसाइज में एक चेस्ट पैड होने की से हमारी लोअर बैक पूरी तरह से इक्वेशन से हट जाती है, मेकिंग द मूवमेंट सेफर एंड लेस फटीगिंग। दूसरी चीज स्टेबिलिटी। एक जगह पे लॉक्ड इन होने की वजह से मुझे अश्योरेंस मिलता है कि मैं जो भी वेट उठा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने लैट्स का इस्तेमाल करके मूव कर रहा हूँ। बाकी के रोइंग वेरिएशन में अगर हमारा फॉर्म 100% ऑन पॉइंट नहीं है तो हम बहुत सारा मोमेंटम और चीटिंग का इस्तेमाल करके वेट को सिंपली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेंगे, पर बॉडी बिल्डिंग करते वक्त हमारा वो गोल नहीं है। मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ मसल हाई
हाइपरट्रोफी है, इसीलिए मुझे एक एक्सरसाइज से जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है उतना बेहतर। एंड द मशीन रो गिव्स मी दैट। मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं कर सकता, चीट नहीं कर सकता, मोमेंटम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेकिंग द मूवमेंट मच सेफर एंड चैलेंजिंग। प्लस स्टिम्यूलस टू फटीग रेशियो नाम की एक चीज होती है और इस एक्सरसाइज का SFR बहुत कम है। अगर हमने इस एक्सरसाइज को एक हैवी बारबेल रो से कंपेयर किया तो एक बारबेल रो मेरे बॉडी में इतना सारा फटीग अक्यूमुलेट करेगा कि रिकवरी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मशीन रो के मैं यूजुअली 3 से 4 सेट्स लगाता हूँ डिपेंडिंग ऑन हाउ आई एम फीलिंग दैट डे, और 8 से 12 की रेप रेंज में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूँ। एक और बार थोड़े से टिप्स जो मैं हर सेट के वक्त इस्तेमाल करता हूँ। हर एक रेप लगाते वक्त पीछे के पॉइंट पे जहां पर हमारे लैट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पीक कॉन्ट्रैक्शन के पॉइंट पे मैं एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ, और इसेंट्रिक परफॉर्म करते वक्त एज ऑलवेज वेट को धीरे नीचे लेके आता हूँ और उस पॉइंट पे जहां पर मेरे हाथ एक्सटेंडेड है अपने लैट को अच्छे से स्ट्रेच करता हूँ। स्ट्रेच और पीक कॉन्ट्रैक्शन। अगर मेरे जिम में एक चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो नहीं होती तो मैं एक केबल रो इस्तेमाल करता हूँ। तीसरी मूवमेंट है द लैट पुलओवर। ये एक्सरसाइज एक्चुअली मैंने 2021 के आई थिंक दूसरे हाफ में डिस्कवर की। मुझे हमेशा ये एक्सरसाइज के बारे में पता था पर मैंने कभी वॉलंटियरली ये एक्सरसाइज सीखने की कोशिश नहीं की। एंड आई फील लाइक अगर मैंने स्टार्टिंग से ये मूवमेंट की होती देन माय लैट्स वुड हैव लुक्ड मच बेटर। अगर हमने प्योरली लैट्स के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ये एक्सरसाइज सारे चेक बॉक्सेस को टिक करती है। ये मूवमेंट हमारे लैट्स को कम्प्लीटली आइसोलेट करती है जिससे हमारे बाइसेप्स इन्वॉल्व नहीं होते, विच इज अ गुड थिंग। सो पर्सनली मैंने ये मूवमेंट एक रॉड अटैचमेंट और रोप अटैचमेंट के साथ परफॉर्म किया। पहले मैं ये मूवमेंट एक रॉड अटैचमेंट के साथ परफॉर्म करता था बट रिसेंटली मैं रोप अटैचमेंट का इस्तेमाल करने लगा हूं। मेन रीजन बीइंग जैसे ही हम हमारे आर्म्स को प्रोनेट करते हैं वैसे ही हमारा शोल्डर बाहर आता है। अब लैट एक्टिवेशन की बात की तो हमारे एल्बोज जितने टक्ड इन होंगे उतना ज्यादा लैट एक्टिवेशन हमें मिलेगा, और एक रोप अटैचमेंट का इस्तेमाल करने से मुझे एक न्यूट्रल ग्रिप मिलती है विच अलाउज मी टू गेट द बेस्ट कॉन्ट्रैक्शन। और खास की इस मूवमेंट पे मैं टेम्पो और एक्सरसाइज टेक्निक के बारे में बहुत सोचता हूँ। बहुत महीनों पहले जब ये मूवमेंट अनफेमिलियर थी आई रिमेम्बर मैं वेट को बहुत कम करता था और सिर्फ टेक्निक और माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस करता था। चीज ये है कि ये एक काफी टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है और पूरे रेंज ऑफ मोशन में बॉडी को बायोमैकेनिकली मूव करने से हम दोनों स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस कर सकते हैं। ऊपर के पॉइंट पे जब हमारे आर्म्स पूरी तरह से एक्सटेंडेड होंगे तब मुझे स्लाइटली लीन ओवर करना पसंद है गिविंग माय लैट द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेच। इस मूवमेंट के मैं 2 से 3 सेट्स लगाता हूँ एक और बार इन द 8 to 12 रेप रेंज। रेड अर्थ को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, सिर्फ एस्थेटिक रीजंस के लिए नहीं बल्कि पोस्चर के लिए भी। रेड अर्थ एक ऐसा मसल ग्रुप है जो अक्सर निगलेक्ट किया जाता है। अब क्योंकि रेड अर्थ एक काफी छोटा मसल ग्रुप है हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम और एक्सरसाइज वेरिएशन की जरूरत नहीं है। मेरी फेवरेट रेड अर्थ मूवमेंट है द रिवर्स पेक डेक। अब मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ और इसकी वजह से काफी सारे जिम्स में ट्रेन करता हूँ, पर पेक डेक की जो मशीन है वो एक ऐसी मशीन है जो हर जिम में अवेलेबल होती है, और उसी पेक डेक मशीन को सबसे पीछे वाले सेटिंग पे लगाया और उस पैड को हमारे चेस्ट के अगेंस्ट प्लेस किया देन वी कैन एक्चुअली ट्रेन आवर रेड अर्थ। इस मूवमेंट के लिए थोड़े से टिप्स। हाइट की जब बात की तो सीट पे बैठने के बाद आई मेक श्योर कि जो हैंडल्स है वो पैरेलल से थोड़े से ऊपर है, इससे मुझे सबसे नेचुरल रेंज ऑफ मोशन मिलती है और अपने रेड अर्थ में एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी चीज, हमारे रेड अर्थ की बात की तो उनकी फुल रेंज ऑफ मोशन यहाँ से अबाउट यहाँ तक रहती है। एक पॉइंट के बाद अगर हम और पीछे जाएंगे तो टेंशन हमारे रेड अर्थ से थोड़ा बहुत हटेगा एंड आवर ट्रैप्स एंड अदर मसल ग्रुप्स विल स्टार्ट टेकिंग ओवर। अगली टिप जिससे मुझे बहुत अच्छा माइंड मसल कनेक्शन मिलता है, सीट पे बैठने के बाद मैं सॉर्ट ऑफ अपने हिप्स को थोड़ा पीछे लेके आता हूँ एंड आई लीन अगेंस्ट द सीट, तो मेरे टॉर्सो में हमेशा एक स्लाइट बेंड रहता है एज अ बेंड फॉरवर्ड, और फिर मैं फॉर्मली अपने फीट को ग्राउंड के ऊपर प्लेस करता हूँ। रेड अर्थ एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड मसल ग्रुप होने की वजह से मैं यूजुअली हैवी नहीं जाता, इंस्टेड मैं टेक्निक और फॉर्म परफेक्शन पे फोकस करता हूँ। इसके मैं इन टोटल 3 सेट्स लगाता हूँ इन द 10 to 15 रेप रेंज, और मैंने नोटिस किया है कि ये एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसमें इट टेक्स अ लिटिल वाइल टू गेट इन द ग्रुप, बट एक और बार रेड अर्थ्स को कभी स्किप मत करना, मेक श्योर यू ट्रेन देम। आज के पुल डे की आखिरी एक्सरसाइज, और ये बाय द वे मेरा लीस्ट फेवरेट मसल ग्रुप है। मुझे पता है बहुत लोगों को बाइसेप ट्रेन करना बहुत पसंद है बट इन माय ओपिनियन इट्स द मोस्ट बोरिंग थिंग ऑन अर्थ। बाइसेप्स की बात की तो मुझे कुछ सिंपल चीजें और सिंपल प्रिंसिपल शेयर करने हैं। बाइसेप्स एक बहुत छोटा मसल ग्रुप है और इन जनरल देखा तो कोई भी पुलिंग कॉम्पाउंड मूवमेंट जैसे पुल डाउन और रो लगाते वक्त हमारे बाइसेप्स को काफी एक्टिवेशन मिलता है, इसीलिए इस छोटे से मसल ग्रुप यानी बाइसेप्स के लिए 3-4 एक्सरसाइजेस और अलग अलग वेरिएशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हर एक पुल डे पे
एक बाइसेप मूवमेंट लगाता हूँ बिकॉज दैट इज एक्चुअली इनफ। और बाइसेप एक्सरसाइजेस की बात की तो मेरी एक बहुत सिंपल फिलॉसफी है, एक कर्ल, कोई भी कर्ल चूज करो जो आपको करने में मजा आता है, नंबर टू जिससे आपको अपने बाइसेप्स में सबसे अच्छा माइंड मसल कनेक्शन महसूस होता है, और नंबर थ्री जिसपे आप कंसिस्टेंटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा सकोगे। और इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए एक और इम्पोर्टेंट चीज है, और वो चीज है एक कर्ल पिक करना एंड एक्चुअली स्टिकिंग टू इट। इस साल मेरी मेन कर्लिंग मूवमेंट होने वाली है द प्रीचर कर्ल। लकीली मेरे जिम में एक मशीन अवेलेबल है, पर अगर आपके जिम में एक मशीन नहीं है आप खुद का सेटअप क्रिएट भी कर सकते हो। इट्स सिंपल, एक एडजस्टेबल बेंच लो और उस बेंच को एक अराउंड 45 या 60 डिग्री एंगल पे लो। इससे आप अपने आर्म को इस तरह प्लेस करके डंबल्स के साथ प्रीचर कर्ल्स लगा सकोगे। प्रीचर कर्ल मुझे इतनी ज्यादा क्यों पसंद है, नंबर वन ये कम्प्लीटली मेरे बाइसेप को आइसोलेट करती है। दूसरे कर्ल्स जैसे स्टैंडिंग केबल कर्ल या स्टैंडिंग डंबल कर्ल करते वक्त हम एक जगह पे लॉक्ड इन नहीं होने की वजह से हम अक्सर हमारे शोल्डर, हमारे फ्रंट डेल्ट एक्सेट्रा को इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे इट बिकम्स अ फुल बॉडी मूवमेंट। बट आई डोंट वॉन्ट दैट। मैं जो भी वेट उठा रहा हूँ आई वॉन्ट इट टू कम स्ट्रेट ओवर हियर। पिछले साल मैंने बहुत सिंगल आर्म डंबल कर्ल्स लगाए थे, बट आई मेड श्योर कि मैं जितना हो सके उतना स्टेशनरी रहूँ। मैंने अपने टॉर्सो को ज्यादा हिलाया नहीं, ऊपर आने के बाद अच्छे से अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट किया एंड आई स्लोली लेट द वेट बैक डाउन। इन शॉर्ट मैं बाइसेप ट्रेनिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करता। आई पिक अ कर्ल व्हिच आई एंजॉय द मोस्ट, आई स्टिक टू इट और मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करता हूँ। सो ये था मेरा पुल वर्कआउट रूटीन जहाँ पर हमने बैक, रियर डेल्ट्स और बाइसेप्स को ट्रेन किया। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहा है रिगार्डिंग कि क्या मैं दूसरे पुश, लेग्स और पुल दिनों पे सेम मूवमेंट्स परफॉर्म करता हूँ, और मेरा सिंपल आंसर है हाँ। रीजन बीइंग मुझे पर्सनली एक्सरसाइजेस बार बार चेंज करना पसंद नहीं है एंड आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। सेम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने का एडवांटेज यह है कि मुझे उन सिलेक्टेड मूवमेंट्स पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी सो दैट आई कैन इवेंचुअली मास्टर दोज मूवमेंट्स। सोचो ना, अगर मैंने इस वर्कआउट में मशीन रो परफॉर्म किया और दूसरे वर्कआउट में एक केबल रो परफॉर्म किया तो आई एम नॉट रियली बिकमिंग द बेस्ट एट आइदर ऑफ दोज। ठीक है आप कर सकते हो, बट आई प्रेफर स्टिकिंग टू द सेम मूवमेंट जिससे मैं हर सेशन में थोड़े थोड़े माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स बना सकूं। नंबर टू, सेम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने से प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ओवर टाइम ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है। 70 केजी के साथ 12 12 12 रेप्स मिले तो सिंपली अगले पुल डे पे मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा पाऊंगा। मैं एनीवेज कभी कन्विंस नहीं था कि हमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस लगाने की जरूरत है। पिक एक्सरसाइजेस दैट यू लाइक एंड डू देम फॉर इयर्स। एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना एक लाइफ टाइम गेम है। एक महीने में नहीं होगा, चार महीने में नहीं होगा, चार सालों में नहीं होगा, इट्स गोना टेक इयर्स। सो इसी के साथ इस पुश लेग्स पुल सीरीज का आखिरी और तीसरा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप सबको सीरीज से बहुत नई चीजें सीखने को मिली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज एक लाइक छोड़ देना और किसी भी दोस्त के साथ यह वीडियो शेयर।